हेलो गाइस, मैं हूं कामरान रजा और आप देख रहे हैं द गेट टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारा जो वीडियो को टॉपिक है वो है ऑनलाइन एडिटिंग, लाइव एडिटिंग जिसको बोला जाता है, जिस तरह यूट्यूब के कुछ स्ट्रीमर्स भी करते हैं। और सबसे जो बड़ा सवाल था कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये लाइव एडिटिंग किस तरह से करते हैं, और ये जो क्रिकेट है ये लाइव एडिटिंग किस तरह से होती है। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई बेस्ट बैट्समैन जो है वो सिक्सर लगाता है तो उसकी जो सिक्सर की डिस्टेंस है वो फ़ौरन से कैसे काउंट होकर स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, तो इसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उंगली मारो या पंजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो टॉपिक ये है लाइव एडिटिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की लाइव एडिटिंग के बारे में। तो क्रिकेट में होता क्या है, क्रिकेट में बेसिकली ये होता है कि जब आप लोगों ने बहुत से यूट्यूबर्स देखे होंगे, सबसे पहले आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दो कि लाइव एडिटिंग होती किस तरह से। तो सबसे पहले जो मोस्टली यूट्यूबर जो स्ट्रीम करने के लिए OBS प्लेयर का यूज़ करते हैं, या स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं नॉर्मल सा जो फ्री में आप लोगों को मिल जाता है, उसमें क्या करते हैं आप लोग पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के उस चीज़ को रिमूव करके उसकी जगह से के ऊपर कोई और चीज़ लगा, जिस तरह से बहुत से गेमिंग चैनल्स वाले आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे गेम चल रही होती है और सामने वो बैठे होते हैं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जिसको वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो क्रिकेट वगैरह या न्यूज़ चैनल वगैरह यूज़ करते हैं ये बहुत ही हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनकी सब्सक्रिप्शन लेने की इतनी आसान बात नहीं होती, एक नॉर्मल आदमी के बस से बाहर की बात होती है। ये लाखों रुपए उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन की मद में या ईयरली सब्सक्रिप्शन की मद में उनको पे कर रहे होते हैं। तो लाइव एडिटिंग किस तरह से होती है, बेसिकली जो भी कैमराज आगे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो एक चैनल के थ्रू आगे ट्रांसमिट करते हैं। उस चैनल में एक सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर उसकी लाइव एडिटिंग करके उसके पीछे पूरी टीम होती है, जो टीम वर्क की बुनियाद पर वो सारी चीज़ें आगे लाइव एज ए आउटपुट दिखाई जा रही होती हैं। अभी डिस्टेंस मेजर की बात कर लें, डिस्टेंस मेजर ये होता है कि उन्होंने एक जो कैमराज होते हैं वो बहुत ही हैवी किस्म के होते हैं, उनमें एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है जो कि पॉइंट टू पॉइंट मीटर्स की कैलकुलेशन बआसानी कर सकता है। उसमें जो पॉइंट होते हैं, जो उसके पिक्सल होते हैं, वो एक पिक्सल से लेके दूसरे पिक्सल तक का पॉइंट टू पॉइंट क्या है वो उसका जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेता है। आप लोग ये जहन में रखें, जो सिक्सर होता है ये पॉइंट से पॉइंट तक इस तरह होता है, ना कि इस तरह प्रोवाइड किया जाता है, ये पॉइंट टू पॉइंट ही मेजर किया जाता है, इस पॉइंट पर वो बॉल हिट हो रही है और जहाँ से वो उसको हिट लग रहा है। तो बेसिकली ये बात होती है। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें इस टॉपिक के रिलेटेड और भी आप लोगों को बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं न्यूज़ चैनल की। कि आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज़ चैनल जो है बहुत ही VIP किस्म का सेट लगा के बैठे होते हैं और पीछे उनके बहुत ही बड़ी बड़ी LEDs में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने कहा यार वाह, इन्होंने तो बहुत पैसा लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन ऐसा भाई बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं और ग्रीन स्क्रीन की मदद से वो बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। इवन जो उनके आगे जो भी चीज़ें टेबल वगैरह पड़े होते हैं वो भी उन्होंने एक RGB किस्म का बनाया होता है, और उसके ऊपर उन्होंने क्या है ग्रीन स्क्रीन के लिए जो कपड़ा होता है वो नीचे भी बिछाया होता है और ऊपर भी, जिस तरह से हमें ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं ओरिजिनल में, लेकिन होती नहीं है बिल्कुल ऐसा भी। तो आप लोग ये क्लियर कर लें कि वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो बहुत ही हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइव एडिटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि बाज़ औक़ात एक लाइव न्यूज़ चल रही है या कुछ भी ऐसा चल रहा है लाइव, तो उसमें एक खबर आ जाती है जो साइड में ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर भी चल रही होती है और वही वो बोल भी रहा होता है। उसके लिए क्या तरीकाकार है भाई, वो खुद वो सारा काम अकेला बंदा नहीं कर रहा होता, उसके पीछे एक टीम वर्क होता है। वो टीम क्या करती है, वो न्यूज़ टीम के पास जाती है और टीम उसको एज अ डिस्प्ले के तौर पर उसको पेश कर देती है। उसके सामने या तो एक लैपटॉप पड़ा होता है जिसमें वो चीज़ें उसके सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं, जिससे इन केस अगर वो खड़ा है तो उसको क्या होता है कि उसके सामने एक LED टाइप होता है या उसके कान में एक ईयरफोन लगा होता है जिसकी मदद से वो सुन सकता है उनकी बातें, या सामने उसके LED लगी होती है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं मेरे भाई। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनको ये बड़े पैमाने पे करते हैं, ये सैटेलाइट की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं इसलिए ये ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप नॉर्मली एक यूट्यूब पर जो न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत होगी और अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होगी और एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत होगी, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल एक एडिटर को लेना है और उसमें एडिट करके दे देना। अगर आप लाइव देना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली OBS की ज़रूरत होगी, या OBS के रिलेटेड जो भी पेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं वो भी आप लोग यूज़ करके इजीली YouTube के ऊपर अपनी वीडियोज़ को टेलीकास्ट कर सकते हैं।
और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। और ये बात बता दूं कि जो वो यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर बहुत ही हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, और उनके लिए वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं उनको लाखों रुपया वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपकी क्लियर होगी। तो अगर इस तरह के और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपके जहन में हैं तो आप लोग हमसे कर सकते हैं, हम उसका इजीली जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये जो सवाल मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये मैंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जो कमेंट सेक्शंस हैं उनमें से लिए हैं, और एज अ बिगनर यूट्यूबर्स और एज अ टेक चैनल के होते हुए मुझे इन चीज़ों का एक तो इल्म होना ज़रूरी था जो मैंने डाटा इकट्ठा किया, और एज अ यूट्यूबर मुझे ये आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता था, और इसलिए उन लोगों को सवाल के जवाब देने ज़रूरी समझता था, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।